जाहिर तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी सही रास्ते पे जा रही है, एक्सटर्नल अकाउंट इम्बैलेंसेस कम हो रही हैं और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन CPI मई 2023 में 40% तक पहुंच सकता है। हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम की आखिरी रुकावट फेडरल बजट के फिस्कल डिसीजंस है, जिसमें टैक्सेस बढ़ाई जा सकती हैं और सब्सिडीज को कम किया जा सकता है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का बिजनेस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पिछले साल से काफ़ी कम हो गया है। खास तौर पे SBP के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों का इकोनॉमिक आउटलुक नेगेटिव था। आने वाले महीनों में किए जाने वाले फैसले पाकिस्तान का मुस्तकबिल तयीन करेंगे। इन्वेस्टर को इन्फॉर्म रहना चाहिए और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए।